झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बनाए जाने के बाद पहली बार आज रांची धुरवा स्थित अपने आवास देर शाम अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। रघुवर दास को राज्यपाल बनाए जाने के बाद उनके समर्थक पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और कई विधायक उनके आवास पर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। भाजपा विधायक सीपी सिंह, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक जेपी पटेल और किशन दास रघुवर दास के आवास पहुंचे। साथ ही बोकारो, रामगढ़, खूंटी समेत तमाम जिलों से कार्यकर्ता भी रघुवर दास के घर पहुंचे और उन्हें बुके देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। मीडिया से बात करते हुए रघुवर दास ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है 1980 से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहते पार्टी ने मुझे और जमशेदपुर की जनता और झारखंड की जनता ने जनप्रतिनिधि से लेकर मंत्री मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी और मैंने पूरी ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी झारखंड की जनता के हित में निभाया और आज एक नई जिम्मेदारी हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर एक मजदूर को महामहिम की कुर्सी देकर उड़ीसा जय जगन्नाथ बाबा रहने उड़ीसा की जनता जो शोषित है, जो वंचित है, उपेक्षित है, वह के स्थानीय सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर उड़ीसा में भी विकास की नई ऊंचाई पहुंचे। इस दिशा में जय जगन्नाथ बाबा इतनी शक्ति दे कि हम उड़ीसा को विकास की नई ऊंचाई पहुंचे। प्रधानमंत्री और मेरे बीच जो वार्तालाप उस वहीं तक रहते हैं। देखिए, झारखंड भारत एक संघीय ढांचा है और अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी मिलती है, तो झारखंड भी विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, उड़ीसा भी पहुंचे। यही जो माननीय प्रधानमंत्री जी का टीम इंडिया, भले किसी राज्य में अलग पार्टी की राज, लेकिन राज्य आगे बढ़ेगा तभी देश आगे। वो जो थीम है उस थीम के साथ देश विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, नई विकास विकास की नई ऊंचाई तभी पहुंचेगी जब उड़ीसा भी विकास की नई ऊंचाई पहुंचे और झारखंड भी विकास की नई ऊंचाई पहुंचे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।